डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है किरचॉफ्स लॉ। जो आपका किरचॉफ्स लॉ है ये नेटवर्क थ्योरम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और किरचॉफ ने एक्चुअली दो लॉ दिए थे। पहला लॉ जो उन्होंने दिया था वो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होगा, जो किसी एक जंक्शन में आकर के इकट्ठा होंगे किसी सर्किट में, अगर हम कोई सर्किट लेते हैं, उस सर्किट में जितने भी करंट आएंगे वो सभी करंट का जो सम होगा, इनका सम जो होगा वो होगा ज़ीरो। ये पहला लॉ उन्होंने दिया और इसके लिए उन्होंने डायरेक्शन भी बताया करंट का। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये एक जंक्शन है ए, और यहाँ पे हम देखते हैं आई वन करंट, ये है आई टू करंट, डायरेक्शन कुछ अंदर की तरफ है, आई थ्री का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, आई फोर का डायरेक्शन बाहर की तरफ है और आई फाइव का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर इस पॉइंट ए पे हम जो करंट आएंगे उनको पॉजिटिव लेंगे और जो जा रहे होंगे जंक्शन से उनको नेगेटिव लेंगे। तो जो सम हो जाएगा करंट का, आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री माइनस आई फोर माइनस आई फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू इज इक्वल्स टू आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव। ये आपका किरचॉफ का पहला नियम है। जो दूसरा नियम है किरचॉफ का वो ये कहता है कि जो समेशन आई आर है विल बी इक्वल्स टू समेशन ई, मतलब कि जो प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंस का, पूरे एक सर्किट में पूरे करंट रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसका समेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, उस सर्किट में लगे हुए टोटल ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान एक चीज़ और देना है कि करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, आपका करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जो आई आर है उसको आप लेंगे पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में आई आर की वैल्यू को आप लेंगे नेगेटिव। अब यहाँ पर ई का भी साइन हमको देखना है। तो सेल के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव से नेगेटिव लिया जाएगा, ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव लिया जाएगा जब हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। और ये नेगेटिव लिया जाएगा जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो इस हिसाब से मान लीजिए एक सर्किट हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक सर्किट बनाएंगे हम। ये ई वन हो गया आपका, ये ई टू करंट का डायरेक्शन, ये आई वन है, ये आई टू है। तो यहाँ पर किरचॉफ का नियम अगर लगाते हैं तो आई थ्री इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। रेजिस्टेंस ये आर वन है, ये आर टू है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर। अब किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ आपने लिखा आई थ्री इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। अब यहाँ पे सर्किट देखिए, ए डी सी बी ए, ए डी सी बी ए, ये सर्किट आप देख रहे हैं। इस सर्किट में जो करंट और रेजिस्टेंस है आई वन आर वन,
तो आई वन आर वन हमने कहा कि करंट के फ्लो के डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, तो हम ये सर्किट ले रहे हैं ए डी सी बी ए, तो इसीलिए आई वन आर वन के सामने प्लस साइन है, जबकि करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमने कहा कि इसको नेगेटिव लेंगे, तो इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो फिर अपोजिट डायरेक्शन में आया, यानी माइनस आई टू आर टू हो गया। और ये इक्वल टू हम लेंगे किसके बराबर, जितना भी ईएमएफ है, तो ईएमएफ ईवन होगा आपका। ईवन क्यों होगा, क्योंकि हम कहाँ से जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ईवन के आगे पॉजिटिव साइन होगा आपका। और ई टू जो है वहाँ पे देखिए हम कैसे जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो वहाँ पे माइनस साइन हो गया। अब ऐसे ही दूसरे सर्किट में जाएं, तो दूसरा सर्किट जो है आपका सी डी ई एफ सी, ये सी डी ई एफ सी ये वाला सर्किट आ गया। सी डी ई एफ सी सर्किट में आप देखेंगे जो आई टू आर टू है ये पॉजिटिव हुआ आपका, आई टू आर टू प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके ई टू के, क्योंकि ई टू जो है फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसमें प्लस साइन। आई वन प्लस आई टू जो है वो करंट का फ्लो कौन से डायरेक्शन में, फ्लो के ही डायरेक्शन में करंट मिल रहा है, इसीलिए ये पॉजिटिव। आई टू आर टू जो है ये भी पॉजिटिव, इसी डायरेक्शन में सी डी ई एफ सी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसीलिए। तो इस तरीके से हम किरचॉफ के लॉ को अप्लाई करते हैं, और ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है क्लोज सर्किट के लिए। तो दो लॉज हमने बताए हैं, पहला लॉ जिसमें जो सम ऑफ करंट है किसी जंक्शन में मिल रहा है वो पूरे का सम जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और दूसरा जो है समेशन आई आर विल बी इक्वल टू समेशन ई के बराबर हो जाएगा। दैट्स ऑल।